हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है ऑक्सीजन पार्लर्स टू कम्बैट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए ऑक्सीजन पार्लर्स खोले जा रहे हैं। किस तरह के ऑक्सीजन पार्लर हैं, कहाँ पे खोले जा रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक का रेलेवेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये आपके मेन्स पेपर 3 में ये टॉपिक कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10 क्या है आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव लेवल पर एयर पोल्यूशन दिल्ली में या भारत की किसी भी सिटी में या इंडिया की ही अगर हम बात ले लें तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, क्या एक्ट्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम आज किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देखिए एक यूनिक इनिशिएटिव है कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन से किस तरह से लड़ा जाए सिटीज़ में, शहरों में, ऑक्सीजन पार्लर जो है ये खोला गया है नाशिक रेलवे स्टेशन पे। तो ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन के लिए पार्लर खोले गए हैं। आपने सलून सुने होंगे या किसी और तरह के पार्लर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए किस तरह का पार्लर हुआ, बेसिकली साफ हवा हम किस तरह से ब्रीथ कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस के लिए, जो लोग कम्यूट कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए इसको बनाया गया है। ये इनिशिएटिव जो है, जो एफर्ट्स हैं एरो गार्ड, उसका कोलैबोरेशन है इंडियन रेलवेज के साथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर फिल्टरिंग हाउस प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। एरो गार्ड ने रेलवे जो है इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव जो है शुरू किया है। ऑब्वियसली बहुत ही यूनिक सा इनिशिएटिव है। एरो गार्ड के जो को फाउंडर हैं अमृतकार, उन्होंने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन पार्लर का, ये बेसिकली किसकी रिकमेंडेशन पे है, नासा की। नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1989 में नासा ने एक स्टडी कंडक्ट की जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे पौधों को आइडेंटिफाई किया जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल पल्यूटेंट्स हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को नीचे गिराते हैं। ये प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हवा से, और यहाँ पे इस पार्लर में उन्होंने इसी तरह के प्लांट्स को लगाया है। तो यहाँ पे मेन पर्पस यही है कि ये प्लांट्स जो है हवा को साफ कर रहे हैं। और इस पार्लर में अराउंड 1500 इस तरह के पौधे लगाए गए हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिवली और डायरेक्टली जो पोल्यूशन है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे रेलवे स्टेशन में, और लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा कि आप साफ हवा जो है उसको ब्रीद इन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इनके एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं इस ऑब्जेक्टिव को लेकर कि हर रेलवे स्टेशन में और हर घर में इस तरह के पौधे लगाए जाएं। और इनफैक्ट लोगों के लिए भी ये एक अच्छा है कि एक दूसरे को हम न्यू ईयर पे गिफ्ट्स देते हैं, बर्थडेज पे गिफ्ट देते हैं, तो अगर हम हमेशा इस तरह का कोई प्लांट लोगों को गिफ्ट देंगे उनके घर पे लगाने के लिए, तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। तो डेफिनेटली इनके आगे के प्लान, जीरो इंडिया के फाउंडर को फाउंडर ने बताया कि और भी प्लान्स हैं कि इस चीज़ को आगे एक्सपैंड भी किया जाएगा। देखिए दिल्ली में भी इस तरह के कुछ ना कुछ ऑक्सी प्योर करके लॉन्च किए गए हैं इस तरह के पार्लर, जहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को एक रेगुलर बार जैसे खोला है। ओके, रेगुलर बार जैसा, कैफ़े जैसा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे जाके आप ऑक्सीजन 10-15 मिनट के लिए ब्रीद इन कर सकते हैं। आप फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं कि मिंट के फ्लेवर में चाहिए, लेमन ग्रास का फ्लेवर चाहिए, लेवेंडर चाहिए, उसके साथ आपको ताज़ी हवा जो है ब्रीद इन करने के लिए मिलेगी। तो लोग एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ भी इससे लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब ये हालात पैदा हो चुके हैं हमारे देश में। जैसे दिल्ली में हमने ऑलमोस्ट दिवाली के बाद देखा, और ये जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, स्टबल बर्निंग का टाइम होता है, हमने देखा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना नीचे चला गया कि इमरजेंसी भी लगानी पड़ी, राइट? आप सब ने ये हालात देखे होंगे। तो लोग इसमें से बिजनेस मॉडल्स भी निकाल के ला रहे हैं। ये आपका करंट अफेयर था, ये आपको याद रखना है। नासिक रेलवे स्टेशन में इस तरह का ऑक्सीजन पार्लर जो है पहली बार देश में वो खोला गया है। अब इसको लेकर ओके, उससे पहले नासा स्टडी के बारे में जैसे उन्होंने मेंशन किया कि इंटीरियर लैंडस्केप प्लांट्स फॉर इंडोर एयर पोल्यूशन अबेटमेंट, ये स्टडी का नाम था। अगर आप ये पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर यही सजेस्ट किया गया कि जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं, उनकी रूट्स हैं, सॉइल हैं, या उनके साथ जुड़े हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो कम
हो सकती है। तो हमारी ऐप में भी इसका हमने एक शॉर्ट न्यूज़ यहाँ पे डाला था। अब देखिए हम किस तरीके से एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं, इंडिया की बात करें, हर एक सिटी की बात करें या गांव की बात करें, राइट। देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, उन्होंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी न्यू दिल्ली में लगाया। अभी जो पोल्यूशन लेवल्स एकदम सिवियर प्लस कैटेगरी में चले गए थे, आप सबने देखा कि दिल्ली का क्या हाल था। अब एयर पोल्यूशन को फाइट करने के लिए हमको रीजंस भी मालूम होने चाहिए कि एयर पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं। रीजंस मालूम होंगे तो हम उनको कम कर पाएंगे। अब एयर पोल्यूशन जो है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया। अब देखिए एयर पोल्यूशन जो है ये थर्ड हाईएस्ट कॉज है डेथ्स का, जो कि जितने भी आपके हेल्थ रिस्क की वजह से डेथ्स हो रही हैं, तो ये स्मोकिंग से भी ऊपर इसको रखा गया है, रैंकिंग जस्ट अबव स्मोकिंग के ऊपर एयर पोल्यूशन को रखा गया है भारत में, कि लोगों की डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है लॉन्ग टर्म में। आपने इस तरह के बहुत सारे मीम्स भी आजकल और वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे ऑफिस में कुछ लोग काम कर रहे हैं, जस्ट मुझे एक याद आ रहा है तो आपके साथ शेयर करूँ, जोक की तरह ही लीजिए इसको। तो वो लोग बोलते हैं ऑफिस ब्रेक है, चलिए सिगरेट स्मोक करके आते हैं, तो वो लोग दोनों बाहर जाते हैं और हवा में ऐसे 4-5 बार सांस लेते हैं और बोलते हैं हाँ आज की तो 50 सिगरेट्स हो गई। तो ये हालत थी एयर पोल्यूशन की दिल्ली में, और जो अभी रिसेंटली इनफैक्ट हर सिटी में कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी कम हो गया, दिल्ली जितना कम कहीं नहीं हुआ, दिल्ली टॉप पोल्यूटर रही है इस बार। अब देखिए इन्वायरमेंट थिंक टैंक जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उनकी रिपोर्ट में एट द क्रॉस रोड उन्होंने कहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है भारत में वो 2.6 इयर्स नीचे चली गई है इन बीमारियों की वजह से जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। तो एयर क्वालिटी नेशनल कैपिटल में आपने देखा इमरजेंसी लेवल्स टच कर लिए, बच्चे इसके सबसे बुरा प्रभाव उन पे पड़ा है, ओल्ड एज में जो लोग हैं जो बीमारियों से गुजर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दिखाती हैं 99% जो बच्चे 5 साल की उम्र के नीचे हैं वो डेंजरस लेवल पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है उससे एक्सपोज्ड हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिपोर्ट किया कि एयर पोल्यूशन ऑन एन एवरेज भी अगर हम बात करें 10,000 में से 8.5 लोग जो हैं वो, या बच्चे स्पेशली 10,000 में से अगर हम बात करें 8.5 जो बच्चे हैं वो भारत में 5 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये सब रीज़न एयर पोल्यूशन की वजह से जो रीज़न है वो दिया जा रहा है। अब देखिए रीजंस दिल्ली की ही अगर हम बात करें, देखिए हर सिटी में ये रीजंस ऑलमोस्ट सेम है, दिल्ली में कुछ एक्स्ट्रा रीजंस भी हैं, लेकिन ये क्या है जैसे स्टबल बर्निंग आपने देखी कि पंजाब राजस्थान हरियाणा में उनको ब्लेम किया गया कि थिक ब्लैंकेट स्मोक का दिल्ली में विंटर्स में उनकी वजह से बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं हर शहर का यही हिसाब है क्योंकि उनके आगे पीछे जो आपके फार्मर्स वाले फार्म वाले एरियाज आते हैं तो इस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं है कि स्टबल के साथ क्या किया जाए, तो फार्मर्स क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कमी है, उस वजह से ये एक रीज़न रहता है। उसके बाद अब देखिए स्टबल बर्निंग से आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे हम मीथेन की बात कर लें, हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, VOC यानी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, ये सब स्टबल बर्निंग से रिलीज होते हैं जो कि हवा को जहरीली बनाते हैं। व्हीक्यूलर एमिशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको NERI के नाम से आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्होंने व्हीक्यूलर इमिशन को एक मेजर कंट्रीब्यूटर बताया है कि हर शहर में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन व्हीक्यूलर इमिशंस रहती हैं। और व्हीकल ऑलमोस्ट अगर दिल्ली की बात करें 40% जो पोल्यूशन लोड है वो गाड़ियों की वजह से है। टोपोग्राफी की बात करते हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली लैंडलॉक्ड इंडो गैंगेटिक रीजन है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज इसको यहाँ पे नहीं मिलती, और ये भी एक रीज़न है कि जो हवा विंड सर्कुलेशन रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती और सेटल डाउन नहीं हो पाते ये पोल्यूटेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सी ब्रीज नहीं है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड पोल्यूटेंट्स को वहाँ से हटा पाए। तो हर शहर का यही लैंडलॉक जो शहर है जो समुद्र के पास नहीं है उनके पास यही एक रीज़न मेन रहता है कि वो वहाँ पे कोई भी इस तरह की ब्रीज नहीं रहती जो कॉन्सेंट्रेटेड पोल्यूटेंट्स को हटा पाए। बाकी एयर पोल्यूशन का रीज़न शहरों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन जो होती है वो डस्ट और पोल्यूशन को इंक्रीज करती है। फिर फायर क्रैकर्स, अब इसमें हम लोग तो हिंदू मुस्लिम डिबेट में आजकल हर चीज़ को ले जाते हैं कि आप ये क्यों नहीं कहते, हिंदू फेस्टिवल्स पे क्यों ही सवाल उठाए जा रहे हैं,
अब उठाए जा रहे हैं तो उसका रीज़न भी है। डेफिनेटली जब बाकी किसी और मज़हब के अगर फेस्टिवल्स में कुछ गलत होता है वहाँ पे भी सवाल ज़रूर उठाए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फायर क्रैकर्स को लेके अगर सवाल उठ रहा है तो उसके पीछे हमको रीज़न और उसकी गंभीर कितना गंभीर है वो इशू वो देखना चाहिए। और जो ये क्रैकर सेल्स हैं, फायर क्रैकर्स, दिवाली पर आपने देखा कितने सारे बम पटाखे जो हैं लोग फटाते हैं, ये एक टॉप रीज़न रहता है एयर पोल्यूशन का, और ये इसको बिल्डअप करता है, इंक्रीज करता है। अब आप इसको दिल पे लीजिए, इमोशनल होके बोलिए नहीं आप हिंदू फेस्टिवल्स पे सवाल उठा रहे, तो इस चीज़ का सवाल नहीं, आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, डस्ट स्टॉर्म जो गल्फ़ कंट्रीज से यहाँ पे आता है, स्मॉग जो 2017 की हमने देखी डस्ट स्टॉर्म, वो गल्फ़ कंट्रीज, वो भी एक रीज़न था जिससे कंडीशन वर्स हो गई थी। तो इस तरह के ये रीज़न अर्बन एयर पोल्यूशन के रहते हैं। देखिए यही सब रीज़न्स हैं कि आज हमें ऑक्सीजन पार्लर जैसी चीज़ों खोलने की ज़रूरत पड़ रही है। हमको प्लांट्स तो हमेशा ही लगाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब लोग इसमें से बिजनेस भी करेंगे। अभी नाशिक वाला जो है ये एक इंडियन रेलवेज के साथ खोला गया है, लेकिन बाकी जैसे मैं दिल्ली की बात कर रही थी, दिल्ली NCR में इस तरह की बार जो है वो 299 से 300 मतलब इस रेट में आप 15 मिनट के लिए सांस ले सकते हैं, इस तरह के बार्स जो हैं वो खोले गए हैं। तो ये रीज़न्स हैं कि हमको साफ़ हवा नहीं मिल पा रही है सांस लेने के लिए। अब देखिए अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की लेजिस्लेशन हमको स्ट्रॉन्गली लानी है ताकि एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकें। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, वहाँ पे क्लीन एयर एक्ट 1963 है, जो प्रूव किया है कि पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस साथ साथ ही हो पाएगी। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एमिशन्स जो 6 कॉमन पॉल्यूटेंट्स थे USA में, वो 73% कम हो गए। 1970 में जो उनका स्तर था, 2017 में मेजर किया तो 73% कम हुए, उन्होंने स्ट्रांगली इस पर काम किया। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारा एयर एक्ट, ओके, एयर एक्ट 1981 गवर्न करता है एयर पोल्यूशन हमारे देश के जो भी सिस्टम है उसको। तो मेन इसका क्या रहता है, मेकिंग हेल्थ अ प्रायोरिटी इन कम्बैटिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो इसको हेल्थ के ज़रिए से देखिए, हेल्थ के नज़रिए से देखिए कि कितना इम्पैक्ट इसका हेल्थ पे पड़ता है। अब जो लेजिस्लेशंस हैं हमारे देश में वो कभी हेल्थ को एक प्रायोरिटी नहीं मानते, इस एरिया की पॉलिसी प्लानिंग हमेशा वीक रहती है। उसके बाद टूथलेस वॉचडॉग, इसका मतलब ये जो एक्ट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की अगर प्रेजेंटली बात करें तो वो जो मैंडेट है उसको फुलफिल नहीं कर पाते, और जो वॉचडॉग्स हैं पोल्यूटर्स के खिलाफ जो हम लोग बिठा के रखते हैं, वॉचडॉग बॉडीगार्ड्स जो हमने रखे हैं वो भी ठीक से काम नहीं करते लोग, यानी यहाँ पे वीक रेगुलेशन है, वीक इम्प्लीमेंटेशन है। और उसके बाद लास्ट पोल्यूशन लायबिलिटी जो है, यानी यहाँ पे भी हम हेल्थ की बात करेंगे कि हेल्थ को क्या एडवर्स इम्पैक्ट पोल्यूशन के हेल्थ पे पड़ रहे हैं, हम उसको बिल्कुल भी नहीं देखते। देयरफॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं उनको एम्पावर करना चाहिए कि वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकें जब भी एयर क्वालिटी का स्तर काफ़ी टॉक्सिक हो जाए। जो पावर है टेम्परेली शट डाउन करने की पोल्यूटिंग, जिन भी कामों से पोल्यूशन इंक्रीज होती है उन एक्टिविटीज़ को बंद कर देना चाहिए। यानी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और डेटरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं उनको हैविली आप फाइन कीजिए, एमिशन स्टैंडर्ड्स को सेट कीजिए। अब देखिए गवर्नमेंट तो बहुत इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती रहती है कि एयर पोल्यूशन से कैसे लड़ना है, जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे, या फिर इस तरह के मॉनिटरिंग नेटवर्क्स बिठाए जाएं जो एयर क्वालिटी को कंट्रोल करें, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च करें, बर्निंग ऑफ बायोमास को कम कीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया कि हवा क्लीन किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं फार्मर्स को ब्लेम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको भी देनी है ताकि वो एग्रीकल्चरल मशीनरी और इस तरह के इक्विपमेंट्स खरीद पाएँ कि उनको बर्न ना करना पड़े। उनको टेक्नोलॉजी या अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए,
म्युनिसिपल प्लानिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वे फॉरवर्ड में बात करें तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, अवेयरनेस की सिटीजन्स को ज़रूरत है ताकि उनको पता चले इस प्रॉब्लम से हमको कैसे लड़ना है, कैसे कम करना है। पब्लिक ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये जो हमारी लड़ाई है एयर पोल्यूशन के खिलाफ, हम इसको जीत पाएँ। और ब्रीदिंग क्लीन एयर, हवा साफ लेना, सांस लेना, ये एक फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का होना चाहिए। ये तभी हो आएगा जब ह्यूमन हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, जो आज तक हमने कभी नहीं किया। ह्यूमन हेल्थ को समझेंगे कि वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो सही रहेगी तभी हम एयर पोल्यूशन को टैकल कर पाएंगे। और यहाँ पे आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, जिसको सेंटर ने अराउंड जनवरी लॉन्च किया था। यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मिटिगेशन एक्शंस हैं, किस तरह से प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट, एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, रोकना है, इसके बारे में टारगेट्स भी यहाँ पे रखे गए थे। नेशनल टारगेट रखा गया था कि 20-30% रिडक्शन हमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 में लानी है और PM10 जो है, दोनों PM पर्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 में 20-30% रिडक्शन लानी है 2024 तक। और यहाँ पे कंपैरिजन के लिए 2017 बेस ईयर माना गया है। इनफैक्ट अभी डेडलाइन इसकी 2024 है और हमारे एफर्ट्स जो हैं वो लगातार यहाँ पे रहने चाहिए। टेक्नोलॉजी सपोर्ट गवर्नमेंट यहाँ पे देगी, सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो हैं मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के लिए उनको यूज़ किया जाएगा, अपोर्शनमेंट स्टडीज़ जो हैं सोर्स की वो की जाएंगी, एनफोर्समेंट पे जोर दिया जाएगा और सेक्टोरल इंटरवेंशन जितनी भी हैं वो भी की जाएंगी। तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट 2024 के बाद हम देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें इस काम को करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट किए कर सकते हैं कि किस तरह के स्टेप्स हमको नेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लेने चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया आज, करंट अफेयर, नाशिक ऑक्सीजन पार्लर्स के बारे में जाना, फिर हम एयर पोल्यूशन पे आ गए कि क्या ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक हो सकती है, करंट सिनारियो क्या है। राइट, जो PDF है इस लेक्चर का आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, t.me/veronica_om। ओके, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।